इतना पढ़ने के बाद भी टेस्ट के अंदर मार्क्स इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो ना, बहुत मेहनत करते होंगे, हर बार सोचते होंगे कि नेक्स्ट पेपर के अंदर फिर से इंप्रूव करेंगे, कम से कम 20-50 मार्क्स इंक्रीज हो, लेकिन नहीं हो पा रहे होंगे ना। कंसिस्टेंसी के साथ उसी रेंज के अंदर लाई कर रहे हो ना, और एग्जाम के 30 डेज बचे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होगी ना सर, किस तरीके से इंप्रूव किए जाए मार्क्स को। बेटा आज आपको आपके गुफरान सर बताएंगे वो ब्रह्मास्त्र तरीका, जिसके बाद आप ही लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे कि सर हमारे नेक्स्ट पेपर के अंदर डेफिनेटली 30-40 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। देख लेना, कम से कम 30-40 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा। अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर ही आके बता देना कि सर हमारे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। कौन सा तरीका ऐसा बेटा, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं बेटा आपको क्या करना है। जब भी आप पेपर देते हो, पेपर देकर आने के बाद आप लोग क्या करते हो, आंसर किसे अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हो, और अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसको देख लेते हो कि अच्छा हाँ ये गलत हो गया यार, इसके अंदर ये करना था ये वो। ये तरीका नहीं होता है प्रॉपर एनालाइजेशन का। कभी आपने देखा है कि विराट कोहली लास्ट 2 ईयर से 100 नहीं मार पा रहा था, क्या किया उन्होंने ऐसा? बहुत बड़े प्लेयर हैं, क्या वो क्रिकेट खेलना भूल गए थे? नहीं बेटा, लोगों ने उनकी कमजोरी पकड़ ली थी, ठीक है ना। उन्होंने अपने ही वीडियोस को बार बार देखा और अपनी वीकनेसेस को एलिमिनेट किया। क्या किया? ध्यान से सुनना मेरी बात को, अपनी ही वीकनेसेस को एलिमिनेट किया। तो आप लोग क्या करते हो, केवल देख लेते हो कि हाँ ठीक है इतने मार्क्स आ गए, अगले पेपर के अंदर और इंप्रूव करेंगे, लेकिन उसके लिए करते क्या हो? कुछ नहीं, बस वही सिलेबस पढ़ लेते हो, टॉपिक पढ़ लेते हो, सोचते हो पेपर दे देता हूं इंप्रूव हो जाऊंगा, नहीं हो पाएगा। बहुत टेंशन में रहते हैं बच्चे यार कि सर हम टेस्ट के अंदर मार्क्स इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें सर ऐसा? बेटा उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप पेपर दो और पेपर देकर आकर मार्क्स कैलकुलेट करो, उसके बाद बस 15 मिनट दे दो। बस कितने बेटा? बस 15 मिनट्स। क्या करना है सर उस 15 मिनट्स के अंदर? बेटा उसके अंदर एनालाइजेशन करना है, आपकी जो वीकनेसेस है उनको एलिमिनेट करना है। हर एक इंसान की, हर एक स्टूडेंट्स की अलग अलग वीकनेसेस होगी। कैसे सर? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं फिजिक्स का टीचर हूं, आई एम अ सीनियर फिजिक्स फैकल्टी एट बंसल क्लासेस कोटा, और अगर मैं अपनी बात बताऊं अपने सब्जेक्ट की, तो मान लीजिए आप फिजिक्स का एनालाइजेशन कर रहे हैं, तो फिजिक्स के अंदर आपने जो 30 क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर किए होंगे, उसके अंदर से फॉर एग्जाम्पल आपने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसके अंदर से अगर आपके 15 क्वेश्चन करेक्ट हैं, उनको तो छोड़ दीजिए, जो क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं आपकी नॉलेज से, आपके कॉन्सेप्ट से, वो हमेशा करेक्ट होंगे। अब दिक्कत है उन बचे हुए कितने क्वेश्चंस में बेटा? 24 आपने अटेम्प्ट किए थे, यानी 9 क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। तो 9 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं? एनालाइज करने हैं। तो 9 क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करना है? उनमें सबसे पहले यह देखना है कि कितने क्वेश्चंस आपके कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलत हुए हैं। कौन सी मिस्टेक बेटा? कैलकुलेशन मिस्टेक, बहुत बड़े ब्लंडर है। अगर आप फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को भी जोड़ लोगे, तो कम से कम आपके 20-30% मिस्टेक्स केवल कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से होती है। बात आ रही है समझ में? उसके बाद फिर आप देखोगे कि कितने क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल एरर की वजह से गलत हुए हैं। मार्क करोगे फिजिक्स के अंदर कि मेरे 4 क्वेश्चन कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलत हुए हैं, 2 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल एरर की वजह से गलत हुए हैं, 1 क्वेश्चन फॉर्मूला ही मैंने गलत अप्लाई कर दिया या कॉन्सेप्ट ही गलत समझ लिया। बात आ रही समझ में? उसकी वजह से गलत हुआ है। अब बचे हुए 6 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि सर हमारे सर के ऊपर से चला गया क्वेश्चन, सर बिल्कुल ही समझ नहीं पड़ा। तो अपने नोट्स खोलोगे और देखोगे कि कॉन्सेप्ट पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद भी मुझसे कैसे मिस हो गया है। दूसरा कि टाइम नहीं मिल पाने की वजह से आपसे क्वेश्चन रह गया है। तो बेटा टाइम मैनेजमेंट आप इंप्रूव करोगे, तो इसके अंदर से कुछ चीजें ऐसी हैं जो ड्रास्टिकली इंप्रूव नहीं होंगी, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। कौन सी वाली बेटा? कैलकुलेशन मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल, आपके पूरे पेपर के अंदर अगर 10 क्वेश्चन पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मिलाकर अगर 10 क्वेश्चन भी अगर आपके गलत हो रहे हैं, तो आप कम से कम 10 से 8 पर आ जाओगे बेटा। जब आप एनालाइज करोगे अपनी वीकनेसेस को, जिसे विराट कोहली ने एनालाइज किया और बैक टू बैक 100 मारे, उसी तरीके से मेरे जो आप बेटा आप जो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हो, जो मेरे जेम्स हो, आप लोग क्या करोगे? अपनी वीकनेसेस को एनालाइज करोगे, देखोगे कि 10 मिस्टेक्स हुई है कैलकुलेशन की वजह से, अब की बार वो 10 की जगह 8 होगी केवल, अगले पेपर में 7 होगी केवल, उसके बाद 6 पर आओगे, उसके बाद कौन सी वाली? वो फॉर्मूला गलत अप्लाई करते हो तो लिख लिख कर प्रैक्टिस करो फॉर्मूलास की। कॉन्सेप्ट गलत अप्लाई कर दिया तो कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ो। इस तरीके से जब आप नेक्स्ट पेपर में जाओगे तो अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाओगे।
बात आ रही है समझे बेटा। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी बेटा ये वीडियो, ये ब्रह्मास्त्र मेरा बहुत पसंद आया होगा। और अब यहां तक आई गए हो तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों को आपके बेनिफिट के हिसाब से मॉक पेपर दिए जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो सिंपली टेलीग्राम के ऊपर गुफरान खान ब्लॉग सर्च करो। आपके जैसे बहुत सारे जेम्स वहां पर है जो कि यहां पर प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट और जेई की, ठीक है ना। और जिससे जितना भी मुझसे हो सकेगा उतना फ्री कंटेंट, फ्री मॉक पेपर आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।